हेडलाइन न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ नेहा। महाराष्ट्र में शिवसेना का फैसला, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने क्या सुनाया है इसके बारे में अभी किसी को कोई जानकारी नहीं है। हालांकि कल मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की तारीख थी, लेकिन अभी तक इस फैसले पर क्या आया क्या नहीं। लेकिन इस बीच यहां पर आपको बता दें कि शिवसेना सांसद संजय राउत को लेकर चर्चाएं बहुत ही ज्यादा तेज हो गई हैं। वो इसलिए क्योंकि संजय राउत यहाँ पर जेल से बाहर क्यों नहीं आ पा रहे हैं, क्या इसके पीछे बीजेपी का हाथ है, ये देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में जैसे जैसे बीएमसी का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे संजय राउत के ऊपर और ही ज्यादा शिकंजा कसता जा रहा है। हालांकि उद्धव ठाकरे जब भी उनसे मिलने पहुंचते हैं तो उद्धव ठाकरे को संजय राउत से मिलने नहीं दिया जाता है, ये बोलकर कि पहले आप कोर्ट से नोटिस बनवा कर लाइएगा तब आपको यहाँ मिलने दिया जाएगा। क्या इन सब पूरी राजनीति के पीछे, इन सब तस्वीरों के पीछे क्या यहाँ पर बीजेपी है, अब यही देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर शिवसेना सांसद संजय राउत जेल से बाहर आते हैं और आते ही शिवसेना को लेकर कोई बड़ा फैसला सुनाते हैं तो क्या यहाँ पर बीजेपी के छक्के छूट जाएंगे। क्योंकि आपको बताते कि शिवसेना को संभालने वाले का संजय राउत का बहुत बड़ा हाथ है और इसी वजह से उद्धव ठाकरे उनके बिना खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। अब यहाँ पर यही देखना है कि जैसे ही यहाँ पर संजय राउत जेल से बाहर आते हैं तब वो शिवसेना को लेकर, महाराष्ट्र को लेकर क्या फैसला सुनाएंगे। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा SPN9 न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।